ये सारी दकीक बातें हैं मुश्किल बातें हैं बंदे के जेन में नहीं रह सकती हम बार बार इसी वजह से बताते हैं ताकि जेन में रहे कि ये है तो साथ ये है वजूद है तो उसके मुकाबल अदम भी है र्ज़ की असल अदम है लेकिन गर्ज़ की एग्जीक्यूशन जो है वजूद से है वजूद से है तो मुराद ये कि हकीकत ममदिया से है हकीकत ममदिया से मुराद ये कि ये हक़ और बंदे के दरमियान वो हिजब है जो कभी नहीं उठता और बंदे की रसाई जो है इस हिजब तक है और इसी अकीकत ममदिया के अगर हम मुकाबल या उसी जैसी कोई को और दिगर बात करें तो वो है आसमा असमाय लिया तला और बंदे के दरम्यान एक जबात हैं जो कभी नहीं उठते बसमीम अलकम इब्न अरबी फाउंडेशन में ख़ुश आहदीद अपनी फसूस सीरीज़ में वेलकम करते हैं अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि मुम्मद अलिम हिम्म के हिम्मतों की जो इमदाद हो रही है वो शेख के कलाम में हकीकत ममदिया से हो रही है और फिर हमने ये बताया कि हकीकत ममदिया क्या है उसके लिए हमने शेख अकबर की किताब अनका मग़रब से चंद इकतबासा आपके सामने पेश किए थे उनकी शरह भी की थी और बताने की कोशिश की थी कि हकीकत महमदिया क्या है उसकी असल क्या है किस तरह, किस तरह से तख्लीक़ हुई है किस तरह से फैज़ पहुँचाती है किस तरह से ये हिजाब है किस तरह से ये लिबास है और किस तरह से मखलूक की जो रसाई है वह इस तक है आज हम देखेंगे कि मुमदलहिम में ये हिम्मत क्या है जिसकी इमदाद हो रही है या हिम्मतें क्या है या तोह क्या है या तलब क्या है या कसद क्या है क्योंकि इमदाद जो है वह तोज्जह की हो रही है जो तलब की हो रही है कसद की हो रही है तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लफ्ज हिमम ये क्या है अरबी ज़बान में क्या है ये लफ्ज़ हिम्मा उसकी जमा है और जो हिम्मा है वो हम्मा से है हमा का मतलब है कि किसी चीज़ का इरादा करना कस्त करना किसी चीज़ की तरफ तोज्जा करना मुतवजह होना किसी जानेब कोई तलब रखना कोई एक मकसद होना कोई आपका पर्पस होना तो ये तमाम जो मानी हैं ये इसी लफ्ज़ के हैं तो यहाँ पर है कि जी मुमित दल हिमम कि ये जो तवज्जोहात हैं ये जो लोगों की अपनी अगराज हैं मखलूक की अगराज हैं मखलूक़ की तलब है मखलूक़ात का कसद है तो ये हकीकत ममदिया जो है इसकी इमदाद करती है तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि जी ये वो बवाश तलबियाँ हैं यानी कि वह तलबी वो अगराज हैं कि जो नफूस और अरवा में जन्म लेती हैं कोई भी गर्ज हो सकती है आपकी दुनियावी गर्ज़ हो सकती है भी गर्ज हो सकती है हक तला आपकी गर्ज़ हो सकता है तो जो गर्ज़ जन्म ले रही है उसकी इमदाद होगी उसको तभी वो आगे वो पूरी होगी तो ये जो उसकी इमदाद हो रही है ये एकदम ममदिया से हो रही है फिर कहते हैं जी इस इन, है। तो है। तो इन अगराज के मुख्तलिफ मरातब हैं मुख्तलफ़ इनकी अकसाम हैं ये मुख्तफ इसके मदारक हैं, हैं। मरातब हैं दर्जात हैं तबकात हैं मतलब इसके अंदर बड़ी डिटेल है और इसके अंदर इस वजह से ये सारी डिटेल है कि कुल कायन ही इसके अंदर है इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है अगर कोई बंदा एक पानी पी रहा है तो उसको पानी पीने की भी एक तलब है गर्ज़ है वो भी तो पूरी होनी है किस तरह से तो मखलूक के अंदर तो वो पावर नहीं है कि वो अपनी अगराज खुद ही पूरी कर सके तो कहीं ना कहीं से तो इलाई इमदाद आनी है तो हकीकत महमदिया ही वही इमदाद है कि जो आ रही है और ये सारा निज़ाम चल रहा है फिर इसकी जो दो बड़ी अकसाम अगराज़ की शेख ने बताई हैं अपनी शरह में कहते हैं कि जी हो सकता है कि कोई दुनियावी गर्ज़ किसी की हो और ये भी हो सकता है कि वो दुनियावी मरातब में से आला से आला मरतबे पे जाना चाहता है वसा ये हो सकता है कि कोई बंदा कहे कि जी मुझे ये इस किस्म का लिबास चाहिए मुझे खाने में ये चाहिए मुझे पीने में ये चाहिए मैं मुझे ये बच्चे चाहिए माल चाहिए दौलत चाहिए दुनियावी मरतबा कुछ भी दुनिया में चाहिए तो कहते हैं कि जी वो ये सारी की सारी जो अगराज हैं ये अगराज हैं लेकिन ये पूरी किस तरह होंगी ये पूरी उसी वक़्त होंगी कि जब वहाँ से अकित ममदिया की तरफ से अकता की इमदाद पहुँचेगी इस तक इमदाद को आप ये कह लें कि एक है तलब और एक है उसकी कुदरत कि जब तक वो कुदरत मशीयत में वो चीज़ होगी नहीं वो पूरी नहीं हो वो पूरी नहीं हो सकती तो ये जो इमदाद हो रही है कि तमाम आमाल तमाम अगराज तमाम अफ़ाल हमारे पूरे हो रहे हैं इस वजह से पूरे हो रही हैं कि ये अकीकत ममदिया ही बीच में वो वास्ता है कि जिसकी वजह से हमारे तमाम अगराज अगराज मकासद कुछ भी जो दुनिया में एग्जीक्यूट हो रहा है वजूद पजीर हो रहा है वो सारा इसी में आता है अच्छा ये तो पहली होगी कि अगर आपकी कोई दुनियावी गर्ज़ है दूसरी मिसाल इसकी है कि जी हो सकता है कि किसी की कोई उखरवी गर्ज हो और फिर ये शेख अल्लाह तला का ये कौल ले के आए व वल, व लल आखिर तो अकबर वर्जातिन व अकबर व तफसला यानी कि आखरत जो है उसके दर्जात भी बुलंद हैं और वो बेहतर हैं तो अगर कोई बंदा उखरवी गर्ज़ को रख ले कि जी मैंने जन्नत में जाना है जन्नत का असूल या आख़रत में मुझे ये ये चीज़ें मिले तो वो भी तब पूरी होंगी कि अगर उनकी कोई मतलब उसने रखी तो ही है तो उसके लिए फिर वमल करेगा को नेक अमल करेगा अक्के बताए हुए तरीक़ पर चलेगा जो भी जो कुछ भी वह दुनिया में करेगा तो करने के लिए जो बीच में उसको मीडियम चाहिए जहाँ से उसकी वो अमल पूरा होगा वो हकीकत मुमदिया तो फिर ये उसके दूसरी जो है वो दूसरा दर्जा लेके आए तीसरा दर्जा है कि जी मन ताल हेमा महम बिल्ला किसी की तवज्जो सिर्फ़ हक तला से ही बस जुड़ी हुई है हक़ के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए फिर इन में भी आगे दर्जात हैं कि ये लोग जो हैं जो हक हक़ की तलब में हैं और सिर्फ हक़ की तलब में है उनकी क्या अकसाम है तो कहते हैं कि जी वो कसरत है और बहुत से लोग हैं और डिटेल आई सारी डिटेल तो नहीं बताई जा सकती फिर शेख इस हवाले से कुछ आयात लेके आए हैं कहते हैं कि जी कुरान जीत में अल्ल तरमाते वफ़ीज़ आल्क फ़ल य तनाफ़ फ़सल मतनाफ़ून के ये जो हक़ की तलब है इसमें आपको कंपटीशन करना चाहिए दौड़ लगानी चाहिए उसमें मुक़ाबला करना चाहिए आगे जाना चाहिए दूसरी आयत है वाले मिस लिहाजा फ़ल या अमल लामिलूँ कि इन जैसे अमाल के करने में अमल करने अमल करने वालों को अमल करना चाहिए कि अपना मकसद अपनी गर्ज अपनी गायत तो हक ताला हो तो कहते हैं कि जी इनको जो है वो तमाम जो भी इनकी भी जो इमदाद होती है वो भी एक इकतेमदिया की तरफ से हो रही है और ये जो है ये अहल हक के लाते हैं अहलुल्ला के लाते हैं ये वो लोग हैं कहते हैं कि इनकी वो गर्ज़ होती क्या है कि हक के वाले से अब दुनियावी गर्ज़ तो ये थी कि मैंने ये खाना खाना था मैंने पानी पीना था मैंने मेरे मेरा बड़ा घर होना चाहिए मेरी दुनियावी उदा होना चाहिए तो अहलुल्ला की इस दुनिया में रहते हुए हक़ के वाले से वो अगराज़ वो हिम्मतें वह तोह वह तोजहत हैं क्या तो शेख फरमाते हैं कि जी ये तोज्जा इनकी मुतक़ हो सकती है इलम से कि हक़ के इलम में इजाफ़ हो मार्फत से उसकी मारफत उसका कशफ़ उसका शहूद उसकी तजली उसका कुर्ब उसके मकाम उसके मरात कमाली मरातब इख्तसासी मरातब जैसे कि वलायत नबूत रसालत खिलाफत कमाल दर्जात मतलब ये ये तमाम अगराज हैं नफूस की तो कोई भी गर्ज हो सकती है गर्ज़ तो कोई भी हो सकती है लेकिन एग्जीक्यूट वही होगी कि जो अक चार है तो यहाँ पर भी जो इनको इमदाद मिल रही है वो हकीक़त मोहम्मदिया से ही मिल रही है जैसा कि दुनियादारों को भी मिल रही थी जैसा कि किलब आख़रत को भी मिल रही थी तालब दुनिया को भी मिल रही है और तालब हक़ को भी मिल रही है फिर फरमाया कि जी इन में भी अगर हम दर्जात देखें तो सबसे से कामिल तर तरीन दर्जा वो है कि जिसको हक़ के अलावा किसी शाय की तलब नहीं है ये वो है कि जिसको कश्यप की तलब नहीं है शाऊद की तलब नहीं है और जो बाकी कोई मरतबा नहीं चाहिए उखरवी कोई हक वाला वो कहता है बस मुझे हक़ की चाहिए तो वो कहते हैं ये जो नहीं है ये ये इश्क है कि हक के सिवा इनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है तो ये तमाम जो हैं ये है इमदाद अच्छा इसमें एक नुकतः बताना ज़रूरी है कि हम चूँकि जब तसवफ़ की किताबें पढ़ते हैं तो हम अपने जेन में पहले से बना लेते हैं कि जी देखेंगे ये सूफी है तसव्फ़ अच्छा ये है कोई रूहानी बात क्या करेगा शेख ने यहाँ पर रूहानी बात नहीं की पूरी दुनिया पूरी आख़रत हर चीज़ हर गर्ज़ को इसमें समो दिया है अगर दुनिया में किसी को माल चाहिए तो वो भी हकीकत ममदिया की मददाद से है अगर कोई उहदा चाहिए अगर कोई बच्चे चाहिए अगर कुछ और चाहिए अगर कोई अपनी हवाले से चाहिए आखरत के हवाले से कोई उसकी अगराज हैं या घाके वाले से कोई उसकी चीज़ें हैं मतलब ये सारी चीज़ें उधर से ही हैं तो इसमें आप कहें कि पूरी एक तो पूरी क्रिएशन भी आ गई है तमाम मखलूक इसके अंदर आ गई हैं और इसके अंदर उन तमाम मखलूक की तमाम अगराज में हर तरह की इमदाद भी आ गई है तो जब इतनी जाम इमदाद कहीं से होगी कि उसमें हर चीज़ ही आ जाएगी तो फिर उसके बारे में उसका बात तो फिर की जानी चाहिए फिर आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि छोटी चीज़ है पूरी दुनिया इस पर बेस कर रही है तो फिर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि दुनिया भी कर रही है आखिरत भी कर रही है और हक़ के वाले से जितनी अगराज हैं वो भी कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है तो ये थी हकीकत ममदिया और ये थी उसकी इमदाद उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये इमदाद जो है एक तो ये कि हकीकत ममदिया पिछली वीडियो में समझ में आ गई और फिर ये होगी कि हकीकत ममदिया इमदाद अगराज़ की कैसे करती है पिछली वीडियो से आप मिला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चूँकि ये वो जिन्स है कि जिससे तमाम मखलूक़ात की तख्लीक है तो अपनी गर्ज़ के हसूल के लिए वो अपनी असल की जानब लौटती हैं मखलूक़ात असल से मुराद वजूदी असल है असल से मुराद अदमी असल नहीं है क्योंकि असल भी दो है ना जब हम अदमी असल की बात करते हैं तो वो उनकी गर्ज़ है जिसकी जानब वो लौट रही हैं लेकिन जब उस आदमी असल को एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो वो वजूद है कि जो कुदरत है जो उसको वजूद पजीर कर रहा है तो ये यह यहाँ पर यह भी फ़र्क जेन में रहना चाहिए ये सारी दकीक बातें हैं मुश्किल बातें हैं बंदे के जेन में नहीं रह सकती हम बार बार इसी वजह से बताते हैं ताकि जेन में रहे कि ये है तो साथ ही है वजूद है तो उसके मुकाबल अदम भी है र्ज़ की असल अदम है लेकिन गर्ज़ की एग्जीक्यूशन जो है वजूद से है वजूद से है तो मुराद ये है कि हकीकत ममदिया से है हकीकत ममदिया से मुराद ये है कि ये हक और बंदे के दरमियान वो हिजाब है जो कभी नहीं उठता और बंदे की रसाई जो है इस हिजाब तक है और इसी हकीकत ममदिया के अगर हम मुकाबल या उसी जैसी कोई और दिगर बात करें तो वो है आसमा अस्माय लाइया भी हक ताला और बंदे के दरमियान एक ईजात हैं जो कभी नहीं उठते और ज़ात तक मुस्तकिल रसाई नहीं होती अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा देखें तो हम ये दे देखेंगे कि जात बारी ताला जो है वो वजूद है असमाय बारी ताला जो है वो अदम है इसी तरह जब हम इसके मुकाबले में दूसरे लेवल पर बात करेंगे तो हकीकत ममदिया जो है वो वजूद है और आान साबता जो है वो अदम है तो ये वो जो चार चीज़ें अब बन गई हैं कि दो वजूद के साथ हैं दो अदम के साथ हैं तो ये पूरी मिल के जो है उससे शेख के अतलात में शेख के कलाम में बात चलती है तो अभी इससे अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि शेख ने कहा कि ये इमदाद होती है खजा अलजूद एवलकरम तो ये खजाइन अलूद और करम ये क्या चीज़ें हैं दो चीज़ें तो हम पे वाजे हो गई हैं एक ये वाजे हो कि आने सप्ताह हम पे वाजह हो गई इस हवाले से सिर्फ कि वह इमदाद तलब कर रही है इसको हमने र्ज़ कहा दूसरी चीज़ वाजह होगी एहन सब्ता जो कि अदम है दूसरी तो चीज़ वाजह होगी कि जो इसकी इमदाद पूरी कर रही है वो है अकीकत है जो कि वजूद जिसको हमने करार दिया लेकिन अब एक तीसरी चीज़ भी बीच में है चूंकि ज़ात की तो मखलूक तक रसाई नहीं है तो फिर ज़ात का वो हिजाब कि जिसकी मखलूक तक रसाई है और वह बीच में लाना बड़ा ज़रूरी है तो इसी वजह से शेख ने फिर अगला जुमला इसी जुमले को आगे कम्प्लीट किया वसल मु मिद मिन खजा अलजूद वल करम अब ये जो मिन ख़ज़ाइन अल ख़ा अलूद करम है इनका होना बड़ा ज़रूरी है वरना फिर भी बात पूरी नहीं हो सकती हकीकत ममदिया अपनी हैसियत में जिस हैसियत में वो है कुछ नहीं कर सकती जब तक कि ये जूदो करम के ख़ज़ाइन उसकी इमदाद ना करें तो ये जो जुदो करम के ख़जा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे बल्कि इनका मगरब किताब से इक़्तबास पेश करके आपको बताएंगे कि शेख ने इस हवाले से क्या आ, तफसील बयान की है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाजमी बताएं कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया और जो समझ में नहीं आया और इस वीडियो से मुतक़ है उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ लाजमी सवाल करें हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवाल के जवाब दें लेकिन जिस कदर वक्त हो जिस कदर फरागत हो उतने ही जवाब दिए जा सकते हैं तो यहीं पर वीडियो का अख्ताम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे फसूस की शरह को लेकर चलेंगे उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए असलकुम व वबरकत